हे एवरीवन, वेलकम बैक टू करियर इन एक्शन। लगन आपकी, एडवाइस हमारी। दिस इज अपा सरोज एंड आज के इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि आपने थंबनेल देख लिया होगा, झारखंड SSC माय इंस्पेक्टर एग्जाम जो है 2023 का जो नोटिफिकेशन आया है उसके रिगार्डिंग हम बात करेंगे और उसमें कौन कौन सी बुक्स आप प्रेफर करोगे पढ़ने के लिए, ठीक है। कौन सी बुक आपके लिए यूजफुल होंगी जिससे आप अपने प्रिपरेशन को बहुत अच्छा कर सकते हो, ठीक है, काफ़ी अच्छा इम्प्रूवमेंट ला सकते हो, रिविजन कर सकते हो, तो वो आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। चलिए तो फिर बिना देरी करते हुए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखो, सबसे पहले एग्जाम पैटर्न देख लेते हैं हम 2023। यहाँ पर एग्जाम पैटर्न देखिए, पेपर वन पेपर टू दो पेपर होंगे, ठीक है। पहला पेपर जो है उसमें आपका जनरल इंजीनियरिंग और जनरल नॉलेज का पोर्शन होगा। जनरल इंजीनियरिंग यानी कि 80 क्वेश्चन होंगे, जनरल नॉलेज का 40 क्वेश्चन होंगे, दोनों मिला के कितने होगा 120 क्वेश्चन। हर क्वेश्चन जो है कितने नंबर का है, 3 नंबर का है, तो कुल मिला के होगा 360 नंबर। तो पेपर वन जो है 360 मार्क्स का होगा। यहाँ पे देखो, जनरल नॉलेज की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे आपका जनरल साइंस, जनरल स्टडीज, मेंटल एबिलिटी और कंप्यूटर आएगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे कि आपका जो अभी न्यू जो नोटिफिकेशन आई है उसमें सिर्फ लिखा है जनरल नॉलेज, लेकिन अगर आप इसके पहले वाला नोटिफिकेशन पे जाओगे तो वहाँ साफ साफ लिखा हुआ है कि सारी चीज़ें जो है जो सिलेबस में चेंज किए गए हैं वो तो ठीक है, लेकिन और सब चीज़ें जो है पहले वाले जो नोटिफिकेशन आई थी उससे वो सब कुछ सेम रहेगा, यानी कि जनरल नॉलेज का जो सिलेबस है वो सब कुछ सेम रहेगा। तो ये सारा पोर्शन वहाँ पे आपको मिल जाएगा पहले वाले नोटिफिकेशन में। तो जनरल इंजीनियरिंग में आपका सिविल, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल से क्वेश्चन आएंगे और उसका सिलेबस जो है, अगर नहीं है आपके पास तो टेलीग्राम ग्रुप पे डाल दूंगी, उसको देख लीजिएगा, ठीक है। टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, मंडे टू फ्राइडे वहाँ पर डेली क्विज होते हैं, उसको अटेम्प्ट करिए आप, बहुत यूजफुल होंगे आपके लिए। अब यहाँ पे देखो, पेपर टू में क्या है आपका, माइनिंग इंजीनियरिंग का पोर्शन है, ठीक है, ये अपना मतलब सब्जेक्ट है बेसिकली। तो यहाँ पे 120 क्वेश्चन होंगे, यानी कि हर क्वेश्चन 3 नंबर का, यहाँ भी यानी कि 360 मार्क्स होगा। टोटल 360 कितने नंबर होगा, 720 नंबर का जो है झारखंड माइंस इंस्पेक्टर का एग्जाम आपका होगा। यहाँ पे समझ में आए, यहाँ पे तो वो लिखा है 3 मार्क्स ईच, ठीक है, इस हिसाब से 720 मार्क्स का आपका पूरा पेपर होगा। यहाँ तक समझ में आया, अब चलिए बढ़ जाते हैं आगे। यहाँ पर देखो, झारखंड MI के लिए कौन सी बुक्स पढ़ें, ठीक है। MI मतलब क्या होता है, माइंस इंस्पेक्टर, बहुत बढ़िया। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे पेपर वन से। पेपर वन देखो, जनरल इंजीनियरिंग पोर्शन है 80 क्वेश्चन, अब सबके लिए नया होगा। देखो, जो बेसिकली डिप्लोमा करते हैं माइनिंग इंजीनियरिंग से, उन लोगों के लिए नया ही होगा, सिविल इंजीनियर, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, यहाँ पे देख पा रहे हो। तो ये तीनों जो है यहाँ पे आप देख पा रहे हो, यूथ कॉम्पिटिशन टाइम्स लिखा हुआ है ना, यूथ कॉम्पिटिशन टाइम्स का कैप्सूल है ये, क्विक रिविजन के लिए बहुत ही अच्छा है। यहाँ पे आपको बहुत कम टाइम में बहुत अच्छे तरीके से आप रिविजन कर सकते हो बेसिकली एक तरीके से। तो ये आप ले लो, जो नए हैं ना, जिनको नहीं पता है कैसे हम करेंगे, तो मैं यहाँ पे गाइड कर रही हूँ, आप उसको परचेस कर सकते हो। उसके आपके बाद उसको आप परचेस कर सकते हो, फिर आप मुझे बताना कि मतलब आपकी तैयारी कितनी हुई है, समझ में आ रहा है कि नहीं, बाकी हम तो हैं ही आपके साथ, ठीक है। यहाँ पर देखो, सिविल इंजीनियरिंग का कैप्सूल ही आता है। यहाँ पर देखो, उसी तरीके से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और मैकेनिकल इंजीनियरिंग तीनों का जो है कैप्सूल आप खरीद लो, ये वाला यूथ कॉम्पिटिशन टाइम्स का, ज़्यादा नहीं 100 रुपये का आता है, ज़्यादा से ज़्यादा होगा कितना होगा 120 का होगा, इसको खरीद सकते हो आप, ठीक है, तीनों मिल जाएगा। इससे जो है आपका एक आपका बेसिक है वो तैयार हो जाएगा पूरा, 80 क्वेश्चन आएंगे इसमें से, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे देखो, सेक्शन बी में आपका क्या है, पेपर वन में ही सेक्शन बी है, जीके जो है 40 नंबर का आएगा, ठीक है। तो लूसेंट की जो ऑब्जेक्टिव बुक आती है, मोटी सी होती है, उसको आप परचेस कर लो, ठीक है। लूसेंट की ऑब्जेक्टिव बुक आती है, उसको आप परचेस कर लीजिए, दैट्स एनफ आई थिंक, दैट इज सफिशियंट, इतना बहुत है। बाकी करंट तो हम तैयार कर ही रहे हैं, बाकी इसके लिए तो हम हैं ही आपके लिए। कोर्स जब चलेगा, कोर्स जब चालू होगी, बैच स्टार्ट होगी, तो उसमें फिर आपको सारी PDF क्लासेस मिलेंगी, उसके लिए निश्चिंत रहिए आप। लेकिन जब मैं बता रही हूँ कि हाँ आपके लिए क्या सफिशियंट है, आपके लिए क्या बेनिफिट है, वो तो आपको बेसिक जो बुक है उसको आप लेना ही पड़ेगा, उसको तो पढ़ना ही पड़ेगा। अब ये कहो कि हमें कुछ खरीदना ना पड़े और ऐसे ही सब कुछ मटेरियल मिल जाए, तो ये मतलब सही नहीं होगा, लेना तो पड़ेगा बुक्स। देखो, जब तक आप हाथ में लेके बुक पढ़ते नहीं हो, टिक नहीं करते हो, चीज़ों को हाईलाइट नहीं करते हो, तो अब तक आपके दिमाग में घुसेगा नहीं चीज़ें, ये तो समझते हो ना। बहुत सारे लोग होंगे जो लैपटॉप से पढ़ लेते हैं, फ़ोन से पढ़ लेते हैं, बट ये चीज़ तो है, एक चीज़ मानने वाली, कि जब तक आपके पास हार्ड कॉपी यानी कि बुक ना हो और उसमें आप हाईलाइट ना करो, टिक ना करो, कुछ मार्क ना करो, तो मतलब ऐसा लगता है कि अधूरा ही प्रिपरेशन है ना, ये चीज़ कहीं ना कहीं महसूस किया होगा आप लोगों ने। अच्छा, तो ये समझ में आ गया। अब हम पेपर टू पे आ जाते हैं, माइनिंग इंजीनियरिंग वाले में, ठीक है। ये भी 120 क्वेश्चंस होंगे इसमें, ठीक है, 120 क्वेश्चन है, यानी कि 3 नंबर का एक क्वेश्चन होगा तो 360 होंगे, ठीक है। तो माइनिंग इंजीनियरिंग 360 नंबर का होगा, तो इसके लिए आप कौन कौन सी बुक प्रीफर करो ये भी देख लेते हैं फटाफट। हाँ जी, तो इसको देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो देखो, आप जनरल जियोलॉजी है, पैरेंटोलॉजी है, स्टैटियोग्राफी है, मिनरोलॉजी है, पैट्रोलॉजी, कोल जियोलॉजी, ये सब है आपकी बेसिकली, ठीक है।
तो ये सब जो है आपको कुछ बुक्स हैं मैं बता रही हूँ आपको उसमें मिल जाएंगे, और वो मतलब उनके बिना आई थिंक अधूरी है आपकी। तो सबसे पहले तो ये बुक देख पा रही हूँ, इंजीनियरिंग एंड जनरल जियोलॉजी, ये बहुत अच्छी बुक है। ये परवीन सिंह की बुक है और ये मतलब बहुत ईजी लैंग्वेज में लिखी है, बहुत अच्छे तरीके से लिखी है। चाहो तो आप इसको ले सकते हो, चाहो क्या लेना ही पड़ेगा ये वाली बुक, ठीक है, परवीन सिंह इंजीनियरिंग एंड जनरल जियोलॉजी की। उसके बाद यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ इंजीनियरिंग जियोलॉजी, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक, ओके यू हैव टू परचेज दिस, के एम बांगर की बुक है, प्रिंसिपल्स ऑफ इंजीनियरिंग जियोलॉजी, ठीक है। तो आपका ये के एम मांगेगा, बात करें तो स्टैटियोग्राफी हो गया, जियोलॉजिकल मैप्स हो गए, है ना, इंजीनियरिंग जियोलॉजी हो गई, तो ये सब मतलब बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, ये सब इसमें बेसिकली कवर होगा। इसको आप परचेस कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ जाता है टेक्स्ट बुक ऑफ फिजिकल जियोलॉजी, जे बी महापात्रा। अब यहाँ पर देखो, जे बी महापात्रा टेक्स्ट बुक ऑफ फिजिकल जियोलॉजी, तो देखो मुझे तो दोनों का ही लैंग्वेज सही लगा, लेकिन अगर आप ये जो टेक्स्ट बुक देख रहे हो फिजिकल जियोलॉजी की, है ना, तो इसमें ये जो पोर्शन है आपको जनरल जियोलॉजी का पूरा कवर हो जाएगा, ठीक है। तो परबीन सिंह और ये टेक्स्ट बुक ऑफ फिजिकल जियोलॉजी, जे बी महापात्रा, ये दोनों में से कोई एक बुक आप ले सकते हो जो आपको सही लग रहा है, ठीक है, दोनों में से कोई भी एक बुक ले सकते हो, काम वही है सबका, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ऑब्जेक्टिव अप्लाइड जियोलॉजी, यहाँ पे देख पा रहे हो ऑब्जेक्टिव अप्लाइड जियोलॉजी, आर के बच्चे की बुक है ये, और इसको तो बिल्कुल ले ही लो क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव है। ऑब्जेक्टिव जियोलॉजी की बुक चाहिए क्योंकि आपका एमसीक्यू बेस्ड ही बेसिकली क्वेश्चन होंगे एग्जाम में, तो इसको आप ले लीजिए, ठीक है, ऑब्जेक्टिव को सॉल्व करने में ये बहुत अच्छी बुक है, इसको आप परचेस कर सकते हो और काफ़ी अच्छा आपको इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा जब आप क्विक रिविजन करोगे तब। उसके बाद लास्ट हम यहाँ पे जियोलॉजी फॉर कॉम्पिटेटिव एग्जाम, यहाँ पे देख पा रहा हूँ डॉक्टर विनोद अग्रवाल एंड डॉक्टर हरीश कपाशिया की बुक है ये, और इसमें बहुत सारे एमसीक्यूज दिए हैं, जैसे कि आप देख पा रहे हो यहाँ पे, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि 2800 प्लस एमसीक्यू है, 600 जियोलॉजी मतलब टर्म्स दिए हुए हैं और 125 जियोलॉजी के एब्रीविएशन दिए हुए हैं, तो इसको आप परचेज कर सकते हो, ठीक है। तो ये इतना आपको बिल्कुल लेना ही लेना है, अगर आप जियोलॉजी देखो कि आप माइनिंग जियोलॉजी का पोर्शन ज़्यादा है इसमें, उसके बाद बाकी जो पोर्शन बचे, ठीक है, बाकी जो सिलेबस में पोर्शन दिए हुए हैं वो सब हम प्रोवाइड करेंगे आपको जो क्लास के दौरान, उसमें परेशान होने नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाते हैं माइंस लेजिस्लेशन के पोर्शन, यहाँ पे कौन सी बुक प्रेफर करनी है, तो इसको ये तो बहुत बेसिक सा है, मतलब इसको बिल्कुल इसमें ये नहीं कि कोई भी हम बुक ऑर्डर कर ले रहे हैं कहीं से, ऑनलाइन तो बिल्कुल मत करिएगा। माइंस एक्ट 1952 एलसी काकू का लेना है आपको लेटेस्ट वर्जन, ठीक है, समझ में आ रहा है, लेटेस्ट वर्जन लेना है। तो ये आपको जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ये लवली प्रकाशन से आप ऑर्डर कर सकते हो, मंगा सकते हो, लेटेस्ट वर्जन जो होगा वो ऑलरेडी लेटेस्ट वर्जन ही देंगे आपको, तो आप जो बुक आपको लेनी है वो आप बता दो। तो माइंस एक्ट तो क्या क्या आ रहा है एग्जाम में वो देखो, माइंस एक्ट 1952 आ रहा है, माइंस रूल 1955, सीएमआर 2017 ये तो बैकबोन है, ठीक है, माइंस का, माइंस एक्सीडेंट जो कि हम प्रोवाइड करेंगे, माइंस रेस्क्यू रूल ये भी हम प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। तो आप जो है ये तीन बुक तो बेसिकली ले ही लो, माइंस एक्ट 1952, माइंस रूल 1955, सीएमआर 2017, एलसी काकू का ले लीजिए, ये माइंस रूल हो गया, माइंस एक्ट हो गया और ये सीएमआर हो गया, ठीक है। तो ये बेसिकली लेना ज़रूरी है आपको, और इससे इसके बिना आई थिंक आपकी प्रिपरेशन जो है वो अधूरी हो रह जाएगी। बाकी माइंस लेजिस्लेशन का अगर आप सिर्फ माइंस लेजिस्लेशन का अगर आप चाहते हो कि हमको एमसीक्यू प्रैक्टिस या टेस्ट सीरीज मिल जाए तो आपको मिल सकता है, बाकी इसका अलग टेस्ट सीरीज जारी किया जाएगा जब एग्ज़ाम पास होगा उस समय, ठीक है, ताकि आपका जो मॉक है तरीके से आप दे सको, ठीक है, वो मिल जाएगा आपको। और बाकी कोई कन्फ्यूज़न हो तो आप हमें बता सकते हैं, जैसे कि देखो जैसे कि अब ये बहुत सारे स्टूडेंट्स फॉर्म फिल कर रहे हैं ना, तो फॉर्म फिलअप हो नहीं रहा है, कुछ एरर बता रहा है, कुछ बता रहा है कि पोस्ट इनकरेक्ट है या पोस्ट इनवैलिड है, ऐसा करके आ रहा है। तो जैसे ही फॉर्म फिलअप स्टार्ट होगा, ठीक है, उसके नेक्स्ट दिन से जो है क्लास स्टार्ट हो जाएगी, ओके। तो इसके लिए निश्चिंत रहिए, कोई परेशानी नहीं है, यहाँ पे क्लासेस जब प्रोवाइड होंगी आपको तो बहुत अच्छा फील होगा आपको, और आपका जो प्रिपरेशन वो भी ऑटोमेटिक अच्छा हो जाएगा, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है इसमें, फॉर्म फिलअप होने दीजिए, जैसे ही फॉर्म फिलअप होगा नेक्स्ट दिन से जो है स्टार्ट हो जाएगा क्लास, तो इसमें घबराने वाली बात नहीं है, कैसे प्रिपरेशन होगा परेशान मत होइए, उसको हो जाएगा आराम से, ठीक है। तो बाकी कोई कन्फ्यूजन हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। और यहाँ पे देख पा रहे हो आप SSCL का भी एग्ज़ाम नहीं हुआ है, तो अगर आप उसका टेस्ट सीरीज लेना चाहते हो तो आप कांटेक्ट कर सकते हो हमें, ये नंबर आपको दिख रहा है यहाँ पे 7084378987, इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो अगर आपको टेस्ट सीरीज लेनी है अभी भी SSCL की, तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। बाकी मंडे टू फ्राइडे जो है डेली फ्री क्विज हो रहे हैं टेलीग्राम ग्रुप पे, ये टेलीग्राम का आइकन है, यहाँ पे आप टेलीग्राम को डाउनलोड कर सकते हो, ज्वाइन कर सकते हो, ओके। बाकी आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहते हो तो मुझे फॉलो कर सकते हैं, करियर इन एक्शन को ज़रूर फॉलो कर लीजिए। और बाकी कोई परेशानी कोई दिक्कत तो आप हमें कॉन्टैक्ट बिल्कुल निश्चिंत बता सकते हैं, ठीक है, इंक्वायरी करनी है तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो बेसिकली, ठीक है। चलो तो फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कौन कौन सी बुक्स परचेस करनी है और क्या क्या पढ़ना है, ठीक है, क्योंकि इसके पहले मैंने सिलेबस का वीडियो अपलोड किया था, वो सिलेबस देख लीजिएगा आप लोग। तो चलिए फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलेंगे आपसे अगली क्लास में, क्लास के दौरान हम लोग और डिस्कशन करेंगे।
बाकी इस तरीके से और मैं इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आते रहूंगी। तो आज फिर इतने ही रखते हैं, मिलेंगे आपसे अगले क्लास में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सी यू एट द नेक्स्ट।